70 साल लगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने में, और ये जो आज श्री राहुल गांधी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की देन है। जिस प्रकार मोदी साहब ने राष्ट्र विरोधी शक्तियों को, अलगाववादियों को और आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया और जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों में ये विश्वास जगाया कि ये देश आपका है, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के यहाँ हालात सामान्य हो गए और हर तरफ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और देशभक्ति के जज्बे से पूरा जम्मू कश्मीर जब झूम उठा धारा 370 के समापन के बाद, तब जाकर श्री राहुल गांधी जी जैसे कांग्रेस के नेताओं को ये मौका लगा कि वो कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरा सके। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, नेहरू गांधी खानदान के किसी नेता में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार रही हो, या फिर स्वयं जब श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी 10 साल, तब भी श्री राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के किसी नेता में यह हिम्मत नहीं हुई कि वो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराए। लेकिन आज जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के प्रयासों से और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब के प्रयासों से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सामान्य हो गए, चारों दिशाओं में शांति, अमन, भाईचारा और देशभक्त लोगों को प्रोत्साहन मिला, तो श्री राहुल गांधी जी को भी मौका लगा कि वो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएं। और उन्होंने लाल चौक में तिरंगा झंडा जो फहराया है, ये सब श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की देन है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेहरू गांधी खानदान के नेताओं की सरकार होती तो शायद श्री राहुल गांधी आज भी लाल चौक में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। सिर्फ और सिर्फ ये जो नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियों पर कड़ा प्रहार और देशभक्तों का सम्मान किया है, उसी का परिणाम है कि आज लाल चौक में कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने तिरंगा झंडा फहराया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या हर घर तिरंगा अभियान हो, जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने हमेशा लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कभी हिम्मत नहीं हुई लाल चौक जाने की। हमारे नरेंद्र मोदी साहब और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब ने तो 1990 में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, 90 के दशक में लाल चौक में मोदी साहब और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब ने तिरंगा झंडा फहराया था। लेकिन श्री राहुल गांधी जी के खानदान को 70 साल लगे लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने में। कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल जी ने कहा था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना ये आरएसएस का एजेंडा है। देर से ही सही कांग्रेस के नेताओं ने बिलाकर आरएसएस के इस देशभक्ति के एजेंडे पर काम शुरू किया। मैं श्री राहुल गांधी जी और उनके नेताओं को कहूंगा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने दिल में देश, भारत माता और तिरंगा झंडा हमेशा उनके दिल में रहता है स्वयंसेवकों के, इसी प्रकार आपको भी संघ से सीखना चाहिए और देशभक्ति के जज्बे से काम करना चाहिए।